गले में पट्टी डाल के आनी है, नहीं दो छोटी करके और मतलब जो है गले में पट्टी डाल के आनी है। एक वक्त था जब सर से आंचल छीन लिए जाने पर महाभारत हो गई। अब ये वक्त है जब एक साजिश के तहत बच्चों को शिक्षा से दूर करने के लिए कहा जा रहा है कि आप सर पर आंचल नहीं रख सकती, उससे पढ़ाई में दिक्कतें होती हैं। यह किस तरह की मानसिकता है और यह जो वीडियो सामने आया है यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हमारे मुल्क में। जहां आंचल के लिए महाभारत हो गया, आज वहां ये बातें क्यों हो रही हैं। आप इस वीडियो को भी देखिए और जो ट्वीट करके जानकारी दी गई है वह भी आपके साथ हम साझा करते हैं। जानकारी दी है जाकिर अली त्यागी ने कि बिजनौर के कॉलेज में हिजाब पहनकर पहुंची छात्राओं को प्रिंसिपल ने कॉलेज से बाहर निकालकर घर भेजा। मामला थाना कोतवाली के देहात की जनता इंटर कॉलेज महुआ का है, जहां मुस्लिम छात्राएं रोज हिजाब पहनकर जाती थीं, लेकिन कल प्रिंसिपल ने उन्हें कॉलेज से निकालकर घर भेज दिया। प्रिंसिपल ने दुपट्टे की पट्टी बने गले में डालकर आने के लिए कहा। कॉलेज प्रशासन का यह फैसला बेहद शर्मनाक है। यदि छात्राएं अपने तन को ढक कॉलेज जा रही हैं तो इसमें प्रिंसिपल की भावनाओं तो आहत नहीं होनी चाहिए थी। आपने देखा कि हमारे मुल्क में किस किस तरह से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। आप यह वीडियो देखिए, फिर इस मुद्दे पर हम और बात करते हैं। तुम जो स्कूल टाइम में यहाँ हो तो स्कूल से निकाल दे, क्या बात है, क्यों मतलब इस टाइम तो पढ़ाई का टाइम है स्कूल में कॉलेज में। हिजाब की वजह से क्या कहा, किसने कहा, क्या कहा, गले में पट्टी डाल के आनी है, नहीं दो छोटी करके और मतलब जो है गले में पट्टी डाल के आनी है, सर पर दुपट्टा नहीं रखना है। अच्छा, कितनी बच्चियां हैं? और ये कह दिया अगर ऐसा होगा तो कल को स्कूल नहीं आना है। अच्छा, तो आज मतलब ये जो वहाँ प्रेयर होती, प्रेयर के बाद आप लोगों को निकाला वहाँ से, प्रेयर में शामिल रहे तुम? अच्छा, तो अब क्या इरादा है? गार्जियन को अकला, गार्जियन भी आएंगे, अभी जा रहे हैं सब गार्जियन भी। इंटर कॉलेज के सामने तुम्हारा होना चाहिए। आपने वीडियो में देखा कि बच्चियों ने अपने दर्द को बताया कि किस तरह से साजिश के तहत उनको शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि किस तरह से सच्चर कमेटी की बात की जा रही है, लेकिन सच्चर कमेटी ने कहा कि मुस्लिम वर्ग सबसे ज्यादा शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, तो उसको और पीछे करने की साजिश की जा रही है। साथ ही एक ट्विटर में और ट्वीट किया गया, उसको भी हम आपके साथ साझा करते हैं कि बिजनौर में हिजाब पहनकर स्कूल जाने वाली छात्राओं को स्कूल से बाहर निकालने का आरोप है। मामला थाना कोतवाली देहात की जनता इंटर कॉलेज का महुआ का है। छात्राओं का कहना है कि स्कूल में प्रार्थना के बाद प्रिंसिपल ने हिजाब पहनने वाली छात्राओं को घर भेज दिया। जिलाधिकारी बिजनौर द्वारा डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल को जांच के निर्देशित किया गया है। आपने दोनों ट्वीट और वीडियो को देखा बच्चियों की, कि उन चीजों को आपके सामने रखा गया और समाज को किस तरह से बांटने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से साजिश की जा रही है, यह आप देखिए। क्या इस तरह की रणनीतियां प्रशासन के द्वारा और स्कूलों के द्वारा सही है? क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और एक आदेश पारित कर देना चाहिए कि इस तरह से धर्म के आधार पर लोगों को बांटा नहीं जा सकता है, इस तरह से लोगों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा तो मूल अधिकार है। जब मूल अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है आपका, उससे ही आपको वंचित कर दिया जाएगा किसी चीज को बहाना बना करके, तो आप कैसे अपने देश की तरक्की कर पाएंगे, कैसे आप देश का नाम ऊंचा कर पाएंगे, कैसे आप विश्वकर बनेंगे, यह सोचने वाली बात है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो पर अपनी राय प्रकट करें और इस मुद्दे पर हम आगे वीडियो बनाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आमिर खान आजाद, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।